हाँ जी, तो बहुत ही बुरा ट्रैफिक जैम है। मैं तो कंफर्म लेट हूँ अभी। दिल्ली का बात है, हम बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अगर भाई फ्यूचर में अगर आपके साथ ट्रैवल करना हो तो पॉसिबल है ये? यूएई में कब तक है अगर भाई बाइक आपने यही रखनी है? किस कंट्री में ज्यादा अच्छा लगा आपको, जहाँ दोबारा विजिट करना चाहिए? मतलब उनके ऑफिशियल से लेके, पुलिस से लेके, आर्मी से लेके कभी किसी ने फायर नहीं किया, जीरो इंसिडेंट होता है ना वो वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस माइक का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि इस माइक में एक अनोइंग फीचर है कि अगर आप इससे थोड़ा सा दूर होकर बात करेंगे ना ऐसे, तो आवाज़ जो है ना आपको क्लियर नहीं आएगी, रिकॉर्ड नहीं होगी सही से। और अगर आप इसको करीब होकर बात करेंगे तो ये बहुत अच्छी रिकॉर्ड होगी। तो मैं इसको ना अभी सीख रहा हूँ, इस पर काम करना। ज़ाहिर फेस भी नज़र आना चाहिए कैमरे में, तो अगर आपको इससे थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आई एम स्टिल न्यू और अभी मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। खैर, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का जो व्लॉग है ये बेसिकली एक मीटअप के हवाले से है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अबरार हसन एक ट्रैवल व्लॉगर हैं, इस चैनल का नाम है वाइल्ड लाइंस बाय अबरार। मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं अगर आप ये कहें कि मैं इनका शुरू का सब्सक्राइबर हूँ तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने एक छोटा सा मीटअप ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे स्टोरी लगाई थी। जैसे ही मैंने ये स्टोरी देखी तो मैं तो खुश हो गया कि यार चलो इस बहाने मतलब एक तरह से मेरी उनसे वन टू वन मुलाकात होगी और कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी वीडियोज देख देख के तो हम सीखते ही हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम एक्चुअली एंड हिज वर्क, तो मेरे लिए तो बड़े एहसास की बात थी। तो लोकेशन बेसिकली थी पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे अक्सर जो है वो इवेंट्स जो है ना वो होते रहते हैं। का पेज है इंस्टाग्राम पे, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो खैर, मैंने मतलब वो पूरी जर्नी जो है वो सेव किया है वीडियो में और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि होता यह है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो आपकी लाइक से वीडियो को आगे जो है ना दूसरे व्यूअर्स तक पहुंचा। तो अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, ताकि ये ग्रो हो और मजीद मुझे मोटिवेशन मिले। तो विदाउट फर्दर अडू आए चल के वीडियो देखते हैं। अभी हो रहे हैं 4:45 और 5 बजे मुझे वहां पहुंचना है। 5 बजे से पहले भी, 5 बजे तो मीटअप है। अभी रास्ते में पेट्रोल भी भरवाना है, उसमें भी 15-10 मिनट तो लग जाएंगे। इस हिसाब से टाइम बहुत कम है। स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप और चाय खरीदते हैं। रासल खेमा से अगर मुझे ट्रैफिक नहीं मिला ना तो मुझे, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा दुबई। मतलब दुबई से मुराद ये कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई। अभी मैंने गूगल मैप अभी चेक नहीं किया है, क्योंकि जिस मोबाइल में गूगल मैप मैं चेक करूंगा वो मोबाइल तो इधर लगा हुआ है सामने। अल्लाह का नाम लेके निकल रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बाकी अल्लाह मालिक है। वैसे हाँ, ये भी हो सकता है कि यार भाई बाइक पे आए हों तो बाइक के भी थोड़ा मैं आपको नज़ारे करा दूंगा। तो हम अपनी टोटी के साथ जा रहे हैं रंगीली से मिलने, मतलब अबरार भाई की रंगीली से मिलने। कुछ FM वगैरह चलाता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है FM पे। अच्छा, लकीली ना मैंने कल गाड़ी दिलवा ली थी तो मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि लास्ट वीक यहाँ पे हल्की सी बारिश हुई थी तो गाड़ी जो है ना वो ठीक ठाक मिट्टी में हो गई थी। और दुबई जानते वक्त ना मैं एक चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ कि गाड़ी साफ़ हो, क्योंकि ऐसा सुना है कि सम टाइम जो है ना अगर आपकी गाड़ी साफ़ ना हो तो आपको फ़ाइन पड़ सकता है। तो मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है इंतहाई स्लो, चलो जगह दे दी। अस्सलामुअलैकुम, आप ठीक हैं, खैरियत से? हाँ, ठीक है, ठीक है। भाई एक चाय और 2 बॉयल्ड एग सैंडविच सामून चीनी कम, जल्दी कर देना थोड़ा उसको बोलना। ठीक, 4 बज रहे हैं, वी आर लेट। हाउ मच? 7 दरम में यहाँ पे आपने 2 बॉयल्ड एग सैंडविच मिल गए आपको और एक अच्छी सी चाय मिल गई। अभी जाना है पंप, वैसे पंप में बाद में भी जा सकता हूँ, लेकिन ये कि सुकून हो जाएगा अगर मैं अभी चला गया ना। पूरे रास्ते मुझे जो है ना ये नहीं फिक्र होगी कि पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, ये सारी फिक्रें नहीं। यार मेरे ख्याल से मैं लेट हो जाऊँगा, सीधा निकलता हूँ अभी दुबई, क्योंकि 4:05 हो चुके हैं। इसकी रेंज बता रहा है 332 और हाईवे पर तो वैसे ही पेट्रोल कम पीती है गाड़ी। इंशाल्लाह आराम से पहुंचेंगे, वहीं से फिर पेट्रोल भरवाएंगे। हाँ जी, तो
बहुत ही बुरा ट्रैफिक जैम है। मैं दुबई से मैं रासल खेमा से सीधा दुबई जा रहा था, लेकिन गूगल मैप्स ने मुझे गाइड किया कि आप शारजा से होके जाएँ तो आपको कम ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन शारजा में भी ट्रैफिक जैम है। अभी 5 बज चुके हैं और आई डोंट नो क्या सीन होगा। अभी यहाँ से तकरीबन 30 मिनट का रास्ता रहता है, 30 मिनट प्लस वहाँ पार्किंग में टाइम लगेगा आई एम श्योर। मैं तो कन्फर्म लेट हूँ अभी, बट लेट्स सी क्या है नसीब में। यही प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रैफिक जैम अगर मिला तो फिर जो है ना प्रोग्राम जो है ना पूरा ख़राब हो सकता है, और वैसा ही कुछ हुआ है। एक छोटी सी अपडेट आपको देना था बस, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन बाइक वाले कैसे जा रहे हैं, बाइक वाले निकल जाते हैं साइड साइड से ना। फ्री है या नहीं मुझे नहीं आइडिया, अभी तो सिर्फ पार्किंग यहाँ लगा देते हैं, जल्दी से चलते हैं अंदर। मैंने बहुत सारी जगहों पे बताया ऑलरेडी, मेरी भी मेरी दो बेटियाँ हैं माशाल्लाह। पहले तो जितना अकाउंट में होता था उस हिसाब से होता था, लेकिन अब यूट्यूब पे भी आप लोग देखते हैं मुझे पैसे आते हैं। दिल्ली कब आ रहे हैं, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज 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 आप मेरा आज वीजा लगवा दें, मैं सुबह की फ्लाइट लेके दिल्ली जा रहा हूं। मैं तो बहुत पर्सनल ख्वाहिश है मेरी, और अभी तक आपने YouTube चैनल पे देखे तो बैनर में पाकिस्तान जर्मनी टू पाकिस्तान है, वो मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया पहुंच जाऊं। चेंज भी ना करें, तो जरूर मैं कोशिश करता रहूंगा, कभी ना कभी जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। और आप रहना फिर हमारे साथ ही, आप लोग ये मैं वादा नहीं कर सकता, क्या पता आप दुबई में हो मुझे वहां पे बुला लें। ठीक है, अगर आप वहां पे हुए तो जरूर इंशाल्लाह। ओमान आई एम गोइंग इन 10 डेज, सो आई एम गोइंग फ्रॉम हियर टू खुसा and then I go to the mainland of Oman. Yeah. So I will spend probably 3-4 weeks here. Inshallah. Inshallah. Thank you so much. Thank you very much for asking me. You are the real Pakistani that you are making the name of Pakistan. Oh, good. Thank you so much. I appreciate it. Zindabad. Abrar bhai. अब्रार भाई, फ्यूचर में अगर आपके साथ ट्रैवल करना हो तो पॉसिबल है ये? अगर मैं कहीं जा रहा हूँ आप मुझे रास्ते में मिलते हैं तो साथ ट्रैवल जरूर 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 मिलेंगे, लेकिन मैं हार्डली प्लान बना के निकलता हूँ कि आज मैंने किसी के साथ राइड करना। आप मेरी वीडियोस में देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं रैंडमली मिलता हूँ और उनके साथ आपका अच्छा टाइम गुजरता है, फिर वो आपके साथ ट्रैवल करते हैं। आपने लिटरली बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बहुत शुक्रिया, मैं उनमें से एक हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप अगर कभी मुझे रास्ते में मिलें तो आ जाएं, कोई मसला नहीं, जरूर मिलेंगे कभी ना कभी जरूर। थैंक यू।
अरब अभी यूएई में कब तक है? थैंक यू ब्रदर भाई। यूएई में प्रोबेबली वन मोर वीक इन दुबई, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको सबकी तरफ जाऊंगा, आपको मान के जो तो मे बी इन बिटवीन कुछ दिन स्टे करता जाऊँगा। फुजेरा वाली साइड से इंटर हूँ गाँव में इंशाल्लाह। अगर भाई बाइक आपने यही रखनी है अभी तक तो यही, जब तक चलेगी इसे और जब तक चलती है जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ ये बाइक पे। लकी बाइक है आपके लिए? लकी भी है, उसके अलावा कह सकते हैं कि मैं एक बाइकर नहीं हूँ, मुझे ट्रैवल का शौक है और इस वे ऑफ ट्रांसपोर्ट मुझे हर जगह ले जाती है और मुझे डर नहीं लगता अगर मैं डेजर्ट में फंस जाता हूँ तो सामान उतार के बाइक को खड़ा कर लिया हूँ। काफी दफा आपकी वीडियोस में देखा है आपने गिराई भी है इसको? ये बहुत गिरा है, चोटें लगी हुई हैं। जी 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 GS 310 को आपने फेमस किया रंगीली के नाम। गिर रही हो ना तो बाइक को रोकना नहीं है, उसको छोड़ देना है क्योंकि अगर आप रोकोगे हो सकता है आपका जो है वो बाजू या हाथ कुछ टांग जो है वो नीचे आ जाए, इससे बेहतर होता है कि उसको गिरने दो, वो गिर के खड़ी हो जाती है ठीक हो जाती है कुछ नहीं। GS 310 कहीं पे भी नजर आती है तो वो रंगीली जो है ना जेन में ऑटोमेटिक आ जाता है हर बंदे के दिमाग में। बस आई थिंक एक और सऊदी अरेबिया के लड़का जो इस पे ट्रैवल करता रहा है पहले और अभी सिर्फ एक यही है जो वाहिद है जी 310 आपको पूरी दुनिया में नजर आएगी, लेकिन बाकी लोग सिर्फ उसको डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे मुल्क हैं, पर्सनली मुझे नेचर के लिहाज से नॉर्वे बहुत खूबसूरत लगता है, आइसलैंड नॉर्वे, पाकिस्तान का नॉर्थ बहुत खूबसूरत है, ईरान, जापान में अभी बाइक पे नहीं गया लेकिन उससे पहले मैं गया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूँ कि कभी जाऊँ और आप लोगों को वो दिखाऊँ क्योंकि उनके कल्चर की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें सीखनी चाहिए उनसे, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं भी अच्छी लेकिन पर्सनली मुझे हर जगह पे अच्छे लोग मिले हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक जैसे आप यूरोप से बाहर निकलते ना तो लोगों का मिजाज, बात करने के तरीके, हर चीज़ चेंज हो जाती है। आप किसी गांव से गुजरा तो बहुत सारे लोग हैं बड़े क्यूरियस होते हैं आपसे बात करने के लिए, ईरान में बहुत अच्छे थे, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे सऊदी अरब के लोग सबसे जिन्होंने अच्छा वेलकम दिया, मतलब उनके ऑफिशियल से लेके पुलिस से लेके आर्मी से लेके कभी किसी ने तंग नहीं किया, जीरो इंसिडेंट होता है ना वो वहाँ पे, बाकी जगह पर कभी कभी होता है तो सिक्योरिटी वाले आगे कैमरा ले लेते हैं लेकिन वहाँ पर इस तरह का कभी नहीं, वो आते हैं आपका पासपोर्ट लेके उसके बाद कहते हैं यू कैन मेक के लिए इतना प्रॉब्लम। ट्रेनिंग तो कोई नहीं की लेकिन मैंने इतने लोगों को देखा था कि शुरू में आप जब लोगों को देखते हो उसी के बाद फिर उसी तरह के वीडियोस बनाना शुरू करते हो और फिर टाइम के साथ साथ आपको लोग भी फीडबैक देते हैं ये ठीक नहीं ये अच्छा नहीं है तो आप टाइम चेंज करते रहते हो और हमेशा बेहतर होता है, तो पहली वीडियो से लेकर 10वीं 12वीं 50वीं वीडियो तक कुछ ना कुछ आप इम्प्रूव कर लेते हो। बाइक चलाते हैं आप अभी इलेक्शन में आ जाए तो हम आपको वोट करेंगे। जो ऑलरेडी वहाँ पे है आप उनको वोट करेंगे। मैं एक्चुअली एयरोस्पेस इंजीनियर और मैंने मास्टर जो किया था जर्मनी से, उसके बाद मैंने 12 साल जॉब की, 13 साल तो मिस तो नहीं मैं करता उसको क्योंकि मैं जब पहला टूर जर्मनी से पाकिस्तान और पाकिस्तान में करके गया था उसके बाद मैंने 1.5 साल वो वीडियोज अपलोड की थी तो वो मेरे लिए हार्ड था क्योंकि आप एक डायरेक्ट ट्रैवल करके अचानक उस माहौल में आ रहे थे जहाँ पर अपने रोज काम करना है। ब्रार भाई, अगर आप किसी जगह जाते हैं तो उसको पहले कितना स्टडी करते हैं, कितना टाइम लगता है आपको? डिपेंडिंग ऑन आप किस जगह पर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सारा पढ़ के जाते हैं वहाँ पे? कुछ चीज़ें जो है ना आप निकालते हो, कुछ पॉइंट्स निकालते हो जो इंटरेस्टिंग होते हैं, बाकी आपको कोई लोकल्स बताते हैं और फिर जब आपने वीडियो बनानी होती है तो उससे पहले उसकी जो है इन्फॉर्मेशन लेते हो। फॉर एग्जांपल पैतरा की मैंने वीडियो बनाई थी तो 2 दिन पहले मैं जाता था, देख के आता था क्या बनाओ इसका, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि आप रैंडम बोल रहे होते हैं तो वो नहीं, वो ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें रैंडम नहीं होती, कुछ चीज़ें आपने पहले से प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस नहीं होती आपने फैक्ट्स याद करके जाने होते, आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप वैसे ही रैंडमली बाइक चला रहे हो आप लोगों को कुछ बता रहे हो जो गलत है। आप पहले विजिट करते हैं उस एरिया का? नहीं नहीं, डिपेंड करता है वो किस तरह की वीडियो है, अगर कोई हिस्टोरिकल बहुत अच्छी जगह है तो मैं पहले जाऊंगा 2-3 घंटे उसको देखूंगा, खुद एक्सपीरियंस करूंगा, फिर मैं बैठूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि मैं इसमें क्या दिखाना चाहूँगा।
मुलाकात हो अच्छी रही, बहुत ही मजा आया। अबरार भाई माशाल्लाह से जिस तरह वीडियो में उनका लहजा ना मतलब नरम मुलायम लहजा है, बिल्कुल लाइव भी मैंने भी उनसे बात की तो मुझे वही चीज महसूस हुई और बड़ा मजा आया। खैर मैंने उनको रिक्वेस्ट तो की है कि टाइम निकालें, अगर हो सके तो एक ड्राइव अलॉन्ग सेशन हम करते हैं साथ में। उन्होंने कहा मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा रहा। तो बस अभी मैं यहाँ दुबई से निकल रहा हूँ, घर के लिए जा रहा हूँ, घर जाऊँगा और घर जाके जो है फिर एडिटिंग करनी है, इस वीडियोस को ट्रांसफ़र करना है लैपटॉप पे और बाकी काम करने। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में कुछ नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भी अली व्लॉग्स के चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप जाके इनके चैनल देखिएगा, हो सकता है कि आप लोगों को इनका कंटेंट जो है बहुत अच्छा लगे, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना, दूसरे दोस्तों को भी बहुत शुक्रिया।